नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2019 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पुरस्कार और सम्मान के टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और अगर हम उनमें से स्पेसिफिक बात करें खेलों में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वह आपकी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के दिसंबर के बीच में खेलों के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उन पुरस्कारों को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और आगे आने वाले वीडियो में आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं यह भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो ये मिला है यहाँ पर दो लोगों को, एक तो है बजरंग पुनिया और दूसरी है दीपा मलिक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बजरंग पुनिया ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, 65 किलोग्राम में ये शीर्ष खिलाड़ी भी रह चुके हैं और ये हैं एक रेसलर, क्या है, रेसलर हैं यानी कि एक पहलवान है। दूसरी खिलाड़ी हैं दीपा मलिक, इनका गेम है शॉट पुट, क्या है, शॉट पुट है, ये भी आपको याद रखना है यानी कि गोला फेंक। हरियाणा की खिलाड़ी हैं और ये पहली महिला पैरा एथलीट हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2019 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार 2019 के लिए मिला है कुल मिलाकर के 19 खिलाड़ियों को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा और आपको सारे खिलाड़ियों के नाम भी पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हैं रविंद्र जडेजा जिन्हें मिला क्रिकेट के लिए, स्वप्ना बर्मन ये एथलेटिक्स हैं, फिर हैं अजय ठाकुर जो कि कबड्डी के खिलाड़ी हैं, पूनम यादव ये भी क्रिकेट से हैं, तेजिंदर पाल सिंह तूर की बात करें तो ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, अंजुम मुद्रिल ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं, प्रमोद भगत ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सिमरन सिंह शेरगिल ये हैं पोलो के खिलाड़ी, गुरप्रीत सिंह संधु ये हैं फुटबॉल के खिलाड़ी, एस भास्करन ये हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए और ये पूछा भी जा चुका है, मोहम्मद अनस की बात करें तो ये एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं केरल राज्य से, गौरव सिंह गिल इन्हें मिला है मोटर स्पोर्ट के लिए, सोनिया लाथर इन्हें मिला है बॉक्सिंग के लिए और सुंदर सिंह गुर्जर हैं जिन्हें मिला है पैरा एथलीट के लिए। कुछ अन्य खिलाड़ी भी हैं जैसे कि भामदी पति, साई प्रणीत इन्हें मिला है बैडमिंटन के लिए, चिंगलेन सामा सिंह कंजुगम इन्हें मिला है हॉकी के लिए, फवाद मिर्जा को मिला है घुड़सवारी के लिए, हरमीत राजुल देसाई को मिला है टेबल टेनिस के लिए और पूजा ढांडा को मिला है रेसलिंग के लिए। तो ये 19 खिलाड़ी हैं और कोशिश करिएगा कि इनके नाम आपको पता हों। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2019 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बैट का खिताब जीता? तो ये जीता है भारत के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस पुरस्कार की यानी कि जो कि वर्ल्ड कप के दौरान दिया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो इस बार का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ इसका आयोजन किया गया इंग्लैंड और वेल्स में। फाइनल मुकाबला किसके बीच खेला गया? तो ये खेला गया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में और फाइनल मुकाबला जीता इंग्लैंड ने और इंग्लैंड की टीम ने पहली बार यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो गोल्डन बैट मुख्य रूप से उस खिलाड़ी को मिलता है जो प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा रन बनाता है। तो सबसे ज़्यादा रन बनाए रोहित शर्मा ने और इन्होंने क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में किसी एक संस्करण में सबसे ज़्यादा 5 शतक भी लगाए। वहीं पर अगर हम लोग बात करें गोल्डन बॉल की, तो गोल्डन बॉल उस खिलाड़ी को मिलता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है वर्ल्ड कप में और ये मिला ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार को। हाल ही में किस खिलाड़ी को 6ठी बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ये हैं भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, इनका नाम है सुनील छेत्री। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर हम लोग सुनील छेत्री की बात करें तो इन्हें ये 6ठी बार पुरस्कार मिला है और महिलाओं के लिए ये पुरस्कार मिला है आशालता देवी को। किसको? आशालता देवी को। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद में दूसरा स्थान है इनका सर्वाधिक गोल करने के मामले में। अगला प्रश्न है, पहले फुटबॉल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पहला फुटबॉल रत्न मिला है सुनील छेत्री को। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फुटबॉल रत्न की पुरस्कार के बारे में अगर हम बात करें तो ये दिल्ली फुटबॉल के द्वारा दिया गया और सुनील छेत्री के बारे में जैसा कि मैं बता चुका हूँ ये भारत की तरफ से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, तो ये मिला है शरद कमल को। याद रखिएगा, शरद कमल को मिला है। और आपको ये बताना है कि शरद कमल कौन सा खेल खेलते हैं और ये किस राज्य के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसे हम बैलन डियार के नाम से जानते हैं, ये किसने जीता? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। और बैलन डी आर पुरस्कार छठी बार इन्हें मिला है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं महिलाओं की श्रेणी में, तो महिलाओं के लिए यूएसए की मेगन रैपिनो को ये पुरस्कार मिला है। इन दोनों खिलाड़ियों के नाम के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इन्हें फीफा के द्वारा, यानी कि जो सर्वोच्च संस्था है फुटबॉल के लिए विश्व में, इसके द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार इन्हीं को मिला। किसको? लियोनेल मेसी को और मेगन रैपिनो को। तो ये है लियोनेल मेसी और ये है मेगन रैपिनो। किस देश की क्रिकेट टीम को क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस का स्प्रिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है किसको? न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसके पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे श्रीलंका के खिलाड़ी कुमार संगकारा। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की टीम को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विश्व कप में ये पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा किस खिलाड़ी को गोल्डन टारगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसके लिए तीन खिलाड़ी हैं, दिव्यांग सिंह पवार, उसके बाद में है सौरभ वर्मा और हैं एला बेनिल वलारिवान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ISSF के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, जिसका मुख्यालय मिलेगा आपको जर्मनी के म्यूनिक शहर में। और इसके साथ साथ सौरभ वर्मा और दिव्यांग सिंह पवार ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप इन तीनों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये खिलाड़ी हैं देव बतिस्टा। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। WWE की बात करें तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट और इसके अध्यक्ष कौन है? विंस मैकमोहन। तो ये आप देख सकते हैं देव बतिस्टा को। किस महिला खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुनी गई हैं एस्ले बार्टी। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर WTA की प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई तो एस्ले बार्टी, लेकिन न्यू कमर ऑफ द ईयर चुनी गई है बियांका एंडेशू। बियांका एंडेशू कौन है? ये है कनाडा की खिलाड़ी और इन्होंने इस वर्ष जो लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है, जिसे हम लोग US ओपन के नाम से जानते हैं, इसका पुरस्कार इन्होंने ही जीता है। WTA की बात करें तो इसकी स्थापना जून 1973 को हुई थी और मुख्यालय इसका है पीटर्सबर्ग में। तो यहां पर आप देख सकते हैं एस्ले बार्टी को। किस खिलाड़ी को BBC द्वारा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है बेन स्टोक्स को। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। BBC के बारे में आपको पता होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो न्यूज चैनल है, तो इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को उस वर्ष के लिए। 2005 में मिला था एंड्रयू फ्लिंटाप को और उसके बाद में बेन स्टोक्स दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको BBC के द्वारा ये पुरस्कार मिला है। कौन से देश की फुटबॉल टीम को फीफा टीम ऑफ द ईयर चुना गया? तो फीफा टीम ऑफ द ईयर यहाँ पर बनी है बेल्जियम। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वहीं पर अगर हम लोग अन्य टीमों की बात करें तो फ्रांस रहा दूसरे स्थान पे और ब्राज़ील यहाँ पर रहा तीसरे स्थान पे। और लगातार दूसरे वर्ष बेल्जियम की जो फुटबॉल टीम है, इसको फीफा टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। अगर हम लोग बात करते हैं फीफा की, तो इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय इसका है म्यूनिक ज्यूरिख में। कहाँ पर? ज्यूरिख में है, पेरिस नहीं है। पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी और अध्यक्ष इसके हैं गियानी इन्फेंटिनो। दिसंबर 2019 में जारी फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी लिस्ट में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो पहली बार कोई खिलाड़ी सेलिब्रिटी लिस्ट में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है और ये है विराट कोहली। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वहीं पर एक चीज़ आपको और याद रखना है विराट कोहली के बारे में कि पेटा, जो कि जानवरों के लिए एक संस्था है, इसके द्वारा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया विराट कोहली को। इनमें से कौन टाइम नेस्ट की सूची में शामिल हुई? तो टाइम नेस्ट की सूची में शामिल हुई है दूती चंद। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये जो सूची है मुख्य रूप से
टाइम पत्रिका के द्वारा जारी की जाती है उन लोगों के संबंध में जो एक प्रकार से उभरते हुए सितारे होते हैं, और इनमें चयन किसका किया जाता है, जो लोग व्यवसाय, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य या विज्ञान आदि के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो ये है दूती चंद, जो कि एक एथलेटिक्स की खिलाड़ी है। नवंबर 2019 में किस खिलाड़ी को हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हरियाणा गौरव पुरस्कार यहाँ पर मिला है अमित पंघाल को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो इस वर्ष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने जीता था रजत पदक। तो ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, और आपको ये बताना है कि इस वर्ष का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों को आपको अलग अलग बताना है। किस खिलाड़ी ने 17वें गोल्डन फूड अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो गोल्डन फूड अवार्ड मिला है लुका मोड्रिक को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और लुका मोड्रिक ये खिलाड़ी हैं क्रोएशिया के, और इसके साथ साथ ये क्रोएशिया फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। अगर हम लोग बात करते हैं गोल्डन फूड अवार्ड की, तो ये मुख्य रूप से ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी आयु 28 वर्ष से कम होती है, और उनके करियर में उन्हें सिर्फ एक बार ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं क्रोएशिया के कप्तान लुका मोड्रिक को। लेसराम सरिता देवी को AIBA एथलेटिक्स आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया, ये किस राज्य से हैं? तो ये हैं मणिपुर से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये जो आयोग है, यानी कि एथलीट आयोग, इसमें 5 महाद्वीपों से 6 मुक्केबाजों को शामिल किया गया है, जिसमें से एक है लेसराम सरिता देवी। और एक नाम आपको और याद रखना है, पायोली एक्सप्रेस, जिन्हें इस वर्ष वितरण पिन से सम्मानित किया गया वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। UAE में इनमें से किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है बजरंग पुनिया को, जो कि एक रेसलर हैं हरियाणा के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर पावर लिफ्टर हैं, जिनका नाम है गौरव शर्मा, गौरव शर्मा को बिजनरी लीडर्स ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। कहाँ पर? इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड के दौरान इन दोनों को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों खिलाड़ियों को। 11वीं विश्व बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप में मिस्टर यूनिवर्स 2019 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इनका नाम है चित्रेश नटसन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया, और 90 किलोग्राम वर्ग में ये चैंपियन बने हैं, और इनका राज्य भी आपको याद रखना है, ये है केरल राज्य से। वहीं पर अगर हम लोग टीमों की श्रेणी में बात करें, तो भारत इस चैंपियनशिप में थाईलैंड के बाद में दूसरे स्थान पर रहा है। वर्ल्ड एथलीट द्वारा किसे पुरुषों के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है एलीउड किपचोगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस ही किया था कि 2 घंटे में मैराथन पूरा करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। किस देश से हैं? केन्या से हैं। वहीं पर वर्ल्ड एथलीट के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार मिला है USA की दालिला मोहम्मद को। तो ये चुनी गई है महिला एथलीट ऑफ द ईयर, और ये वर्तमान में 400 मीटर की जो हर्डल रेस होती है इसकी है विश्व चैंपियन। बात हुई है यहाँ पर मैराथन की, तो केन्या की एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 घंटे 14 मिनट या 13 मिनट में मैराथन पूरा किया, उनका नाम आपको लिखना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलियूड किपचोगे को, जो कि है केन्या के, और ये है दालिला मोहम्मद, जो कि है USA की। द डॉन किस देश के खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है जिससे टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी को सम्मानित किया गया? तो द डॉन ये सर्वोच्च अवार्ड है ऑस्ट्रेलिया का खेल के क्षेत्र में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये लोग, ये चीज़ हम शुरुआत में भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस वर्ष जो फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ, इसमें इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता था। किस भारतीय खेल सम्मान के आजीवन उपलब्धि, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है मिल्खा सिंह। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मिल्खा सिंह प्रसिद्ध धावक हैं, इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, और इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर इसके अंतर्गत जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना, इन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी चुना गया। हाल ही में किस फुटबॉलर ने 6ठी बार यूरोपीय गोल्डन शू अवार्ड जीता है, यानी कि किस खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है लियोनल मेसी।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के कप्तान हैं और यूरोपीय लीग में इन्होंने कुल मिलाकर के 36 गोल किए थे, इसीलिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है लगातार दूसरी बार। 2019 के ये फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं फीफा के। किस महिला क्रिकेटर ने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हे होई फ्लिंट अवार्ड जीता? तो ये जीता है एलिस पेरी ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर हम लोग एलिस पेरी की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं, मुख्य रूप से एक ऑलराउंडर हैं और इन्होंने T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली और 1000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी भी बनी है। इसके साथ साथ एलिस पेरी को ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है। वहीं पर ICC वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला एलिसा हिली को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, और ICC वुमेन्स इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला चानिदा सुथरी ऑंग को, जो कि हैं थाईलैंड की। तो यहां पर आप देख सकते हैं एलिस पेरी को। मोहन बगान एथलेटिक्स क्लब द्वारा किसे जीवन भर के लिए सदस्यता प्रदान की गई? तो आजीवन सदस्य इसके बने हैं, इनका नाम है अभिजीत बनर्जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको पता ही होगा कि अभिजीत बनर्जी, इनकी पत्नी एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रेमर, इन तीनों को इस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब बंगाल का एक क्लब है और मोहन बागान रत्न अवार्ड इस बार दो लोगों को दिया गया। एक तो मिला है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी जिनका नाम है केशव दत्त और दूसरे हैं पूर्व फुटबॉल टीम के कप्तान प्रसून बनर्जी। तो ये हैं अभिजीत बनर्जी। लारियास वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार की, तो ये दिया जाता है लारियास के द्वारा, लारियास स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के द्वारा। नोवाक जोकोविच मैंने आपको बता ही दिया सर्बिया के खिलाड़ी हैं। वहीं पर स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है USA की जिमनास्ट सिमोना बाइल्स को, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा बार इस पुरस्कार को जीता है स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने, 6 बार ये विजेता रहे थे। और इस पुरस्कार में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको याद रखनी है वह यह है कि विनेश फोगाट, जो कि हरियाणा की पहलवान है यानी कि रेसलर हैं, ये कमबैक ऑफ द ईयर की श्रेणी में नामित हुई थी, हालांकि जीत नहीं पाई, लेकिन इसी के साथ ये पहली भारतीय बन गई जो कि लारियास वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कारों में नामित हुई थी। और आखिरी प्रश्न है यूरोपीय गोल्डन बूट अवार्ड 2019 के विजेता कौन रहे? तो यूरोपीय गोल्डन बूट अवार्ड के विजेता रहे हैं लियोनल मेसी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ मैंने आपको बताया ही था बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, 6ठी बार ये विजेता रहे हैं। वहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यूफा प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, तो ये बने हैं वर्जिल वान बिक, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और ये लिवरपूल फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर कोई अवार्ड छूटता है तो वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल मिलते हैं डेली करंट अफेयर के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।